इधर रेलवे की पटरी पर कुछ हलचल हो रही है। 523 और लोग बुलाओ, हमें और मदद चाहिए। समझ गया, हम आ रहे हैं। कुछ अनजान लोग ट्रेन पर चढ़ रहे हैं, हम ट्रक को संभाल रहे हैं। सुनो ब्रेंडा, कोई आ रहा है। गो गो गो, फायर करो। थॉमस, अब तुम्हें इनसे निपटना है, मरना मत। गुड लक, चलो निकलो। जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत हो गई उछल कूद।
दादा, हिलना नहीं। जैसा तुम कहो मेरे दोस्त। इतनी भी क्या जल्दी है? Hey, Fry. तुम्हें देखकर खुशी हुई, चल पीछे हट। हाय। न्यू डोर कितना वक्त लगेगा? जल्दबाजी मत करो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सब ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने काफी मुश्किलें सही। काश कि मैं कह पाता कि मुश्किलें खत्म हुई, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेकेट तुम्हारी तलाश में है और वो हार नहीं मानेगा। तुम में ऐसा कुछ है जो उन्हें चाहिए। उन्होंने तुम्हें चुना क्योंकि उस वायरस का असर तुम पर नहीं हुआ जिससे इंसानियत का नामो निशान मिट रहा है, और उन्हें लगता है कि तुम्हारी कुर्बानी से ही इसका इलाज मिलेगा, पर मुझे नहीं लगता। तो दो दिनों में हम इस कबाड़ जहाज को पानी में उतारने लायक बना देंगे और यहां से निकल जाएंगे। एक ऐसी जगह चले जाएंगे जहां विकेट हमें ढूंढ ना पाए, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी नई शुरुआत होगी जिसे तुम अपना घर कह सको।
चल ठीक हो जा। मैं कुछ मदद करूं? जख्म भर है। कैसा लग रहा है अब? बढ़िया। बस ऐसे ही पूछा। पता है सिर्फ पूछ रहे थे, सब बस पूछते ही रहते हैं। जब भी इन्फेक्शन फैलेगा सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, ठीक है? लो ये पी लो। हमें छुड़ाने में तुम्हें काफी टाइम लग गया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा दोस्त। तो क्या हुआ था? हमने मुकाबला किया, कम से कम कोशिश तो की। अच्छा हुआ हम तुम्हें मिल गए। वो हमें कहीं और ले जा रहे थे, कुछ बड़ा करने की फिराक में है वो। कुछ पता है वो कहाँ जा रहे थे? बस इतना पता है कि वो बार बार किसी शहर का नाम ले रहे थे। मुझे नहीं लगता अब कोई शहर बचा होगा, क्योंकि सब तबाह हो चुके हैं, खंडर या बंजर बन चुके हैं। एक मिनट, तो फिर मीनो कहाँ है? वो ट्रेन में क्यों नहीं था? सॉरी थॉमस, वो था। उनके पास 40 या 50 बच्चे हैं, उनकी सही गिनती अभी भी चल रही है, पर पायलट ने अच्छे से देखा है, उसे यकीन है ये वही लोग हैं। जाहिर है वही होंगे। बग का कुछ पता चला? हमने ट्रैक किया, पर हो सकता है किसी को लोकेटर की जानकारी हो, पर वो राडार पर नहीं दिख रहे हैं। हम इलाके को तलाश रहे हैं, पर शायद वो बहुत से दूर चले गए हैं। नहीं नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। उसे जो चाहिए था उसके हाथ नहीं लगा। ये देखो, यहां पर, यहां से सैकड़ों मील दूर है। ट्रेन में जो भी हुआ, एरिस ने जो कुछ भी बताया उसके मुताबिक वो यहीं जा रहे हैं। मीनो को भी यहीं ले जा रहे हैं। हर उस इंसान को ले लो जो लड़ सकता है। हम गाड़ी लेकर वहां तक जाएंगे और एक हफ्ते में वापस लौट आएंगे। एक हफ्ता? यहां आने में हमें 6 महीने लग गए। हमारे पास यहां 100 से ज्यादा बच्चे हैं। हम यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकते, और जो कामयाबी हमारे हाथ लगी है उसके बाद तुम चाहते हो कि नक्शे पर बनी एक ऐसी जगह पर चले जाएं जिससे तुम खुद अनजान हो। और मैं अनजान नहीं। इस बात को अरसा हो गया, मैं वहां रह चुका हूं। एक आखिरी शहर, विकेट उसे यही कहकर बुलाता है। वहीं से वो अपना सारा कामकाज संभालते हैं। अगर यह शहर अभी भी मौजूद है तो यह आखिरी जगह होगी जहां तुम जाना चाहोगे। कब्रिस्तान से कम नहीं है वो। हम पहले भी तो जोखिम उठा चुके हैं, और यह सब महीनों की प्लानिंग, भरोसेमंद जानकारी और छिपकर काम करने की वजह से। पर अब कुछ नहीं। लिंच, मैं सोच समझ कर बोल रहा हूं। एक बार मेरी बात सुन। जब तुम बिना तैयारी के आगे बढ़े थे तब मैंने सब कुछ गंवा दिया था, पता है ना तुम्हें? जानता हूं कि तुम्हें मीनू की फिक्र है, पर देखो मैं इतने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता सिर्फ एक लड़के के लिए। हरगिज नहीं। लाइट बंद करो। चलो चलो। सही कहा था, ये जगह महफूज नहीं है।
अकेले अकेले कहां जा रहे हो यार? न्यूट, ऐसा करने का सोचना भी मत, मैं भी चलूंगा। चलो। नहीं नहीं, इस बार नहीं न्यूट। देखो, अगर हम मीनू को ढूंढ भी लें तो भी ये पक्का नहीं कि जिंदा लौट कर आएंगे। तब तो तुम्हें और भी मदद की जरूरत पड़ेगी। हमने इसे साथ में शुरू किया था और खत्म भी साथ में ही करेंगे। ओके, चलो उसे वापस लाते हैं। रुको, हे, रुको प्लीज, देखो कुछ नहीं होगा, रुक जा। Thank you.
ये मेज इतना कारगर तो नहीं है, पर इससे काम बन जाएगा। बहुत खूब, पर हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जारी रखो। चाहते हो हम यहां से जाएं? देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर मैं इन्फेक्टेड होता तो शायद ऐसे ही किसी जगह पर होता। देखो इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है तो आगे मैं बैठूंगा। धीरे धीरे संभल के चलाना। रुको 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 रुको, कोई बात नहीं, वो अकेला है तो धीरे धीरे चला और उसके आगे निकल जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे चलो। कर लो, रुको थॉमस, इसे खोलो थॉमस। ओके फ्राई, उस तरफ से कोशिश करो। तुम ठीक
ठीक हो ना? दरवाजा खोलने की कोशिश करो। न्यूट, तुम ठीक हो? लगता तो है। फ्रॉय, तुम ठीक हो? ओह गॉड, फ्रॉय पैन, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। एक मिनट रुको। फ्रॉय चलो, जल्दी चल रहे हो तुम, हमें निकलना होगा। चलो निकलो। फ्रॉय पैन जा रहे हो, जल्दी अच्छा शॉट द फ्लाइ। थैंक्स। ओके, चलना चाहिए। चलो 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 चलो, जल्दी करो। संभल के फ्लाइ, गोलियां बंद। हाँ चलो चलो, इस तरफ इस तरफ। हटो, गोलियां खत्म। चलो अंदर बैठो, चलो चलो हो रहे, चलो निकलो। संभल के आना पड़ेगा, बिना किसी के सहारे पूरा एक दिन निकाल लिया। ठीक हो? हाँ। सॉरी, पर मैं तुम्हें इसमें घसीटना नहीं चाहता था। हे, ये शायद हमें बचाने के लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहता है। यू वेलकम। हे, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पीछे जो चेक पॉइंट था वो इस शहर का आखिरी बचाव घेरा था। अगर वो वहां थे मतलब ये शहर भी महफूज नहीं। हाँ, अगर उन्होंने ज़ॉम्बीज़ को रोकने का अलग तरीका सोचा हो तो बात और है। अजीब है, 3 साल लग गए हमें उस दीवार से बाहर आने के लिए और अब हम वापस अंदर जाना चाहते हैं। हाँ, सच में अजीब है। हो रहे, अंदर कैसे जाएं? मेरी तरफ मत देखो दोस्तों, वो दीवारें नई हैं। शायद विकेट से बचने का यही एक उपाय है। यहाँ सिर्फ देखते रहने से रास्ता नहीं मिलेगा, अंदर घुसना ही होगा। तुम्हें लगता है मिनहू अंदर है? जल्दी पता चल जाएगा। तुम जानते हो ना, वो भी वहां होगी। तैयार हो? सब ठीक हो जाएगा। लोगों का भरोसा अब टूटने लगा है डॉक्टर। आपने जब इन दीवारों को बनाया था तो हमें यकीन दिलाया था कि ये एहतियाती कदम सिर्फ कुछ वक्त के लिए होगा, तो अब लोगों को अंदर आने से रोका क्यों जा रहा है? क्योंकि चीजें बदल रही हैं और बेहतरी के लिए नहीं। इन्फेक्शन 300% से ज्यादा बढ़ गया है। उम्मीद है हमें जल्दी इसका एक इलाज मिल जाएगा। ये है मरीज A7। इसने 3 साल में इसकी चुनौतियों को झेला है। इसके जिस्म में जो एंटीबॉडीज पैदा हुई वो अब तक की सबसे ताकतवर एंटीबॉडीज रही हैं।
जिनसे एक नया सीरम बनाने का काम जारी है, और आपका साथ रहा तो हम इंसानों पर टेस्ट शुरू करना चाहेंगे। थैंक यू डॉक्टर, सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर पहले भी हम इस पड़ाव से गुजर चुके हैं। सच कहूं तो अब हम ये सोचने लगे हैं कि क्या हमारे संसाधनों का बेहतर जगह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मतलब सेफ जोन्स, सुरक्षित ठिकाने जिसमें हम बैठे हैं, इससे हम ज्यादा लोगों की जानें बचा सकते हैं। कितने लोगों की? 1,000 क्या 2,000? और वो भी तब जब हम सुरक्षित ठिकानों को सुरक्षित रख पाएं, जो कि हम जानते हैं मुमकिन नहीं है। वैसे भी इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 3 गुना ज्यादा है, हम होनी को सिर्फ कुछ वक्त के लिए टाल सकते हैं। क्या आपने अपना कोई करीबी इस वायरस की वजह से खोया है? मेरी भतीजी एना, मुझे अफसोस है कि हम उसकी मदद नहीं कर पाए, पर सोचिए अगर हम इस वायरस के बावजूद जिंदा रह पाए उसके साथ साथ, सोचिए अगर आप एना से कह पाए कि उसे एक आम जिंदगी जीने का मौका मिल सकता है, और आज शायद हम इस उम्मीद के बहुत करीब हैं, और यहां तक आने के लिए हम सबने कई कुर्बानियां दी हैं। प्लीज उन कुर्बानियों को जाया मत जाने दीजिए। बहुत खूब, उन्हें समझाना आसान नहीं है, तुमने बखूबी संभाला। होनी को टाल नहीं सकते, थॉमस हमारे बारे में हमेशा यही कहता था। अभी भी उसका ख्याल आता है? उन यादों को मिटाने में मदद कर सकती हूँ। उन्हें संजोए रखने का कोई मतलब नहीं बनता, तरीका आसान है। मतलब बनता है, मैं याद रखना चाहती हूं, अगर हमें इलाज मिल गया तो हमें अपनी मंजिल हासिल हो जाएगी। काश तुम सही हो। इस जगह की तो पूरी बैंड बजी हुई है, हमें साथ रहना होगा। वो अपने दीवारों के पीछे छिपे बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो वायरस का कोड अपने पास रख लेंगे और हम सबको यहाँ गर्म में सड़ने के लिए छोड़ देंगे। पर एक बात बताओ, हम लोगों की तादाद उससे कई गुना ज्यादा है, और अब हमें बगावत करके उससे वो छीनना होगा जिस पर हमारा हक है। चलो जीत हासिल की जाए। जेनसन को बुलाओ। देखो वो रहा, अंदर जाने का रास्ता। तुम्हारा यहाँ आने का ये मकसद नहीं है, ये सब अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जब इन्हें नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिलेगा? इतनी दूर आए हैं, पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हम किस मुसीबत में फंस गए यार? थॉमस, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप सही थे सर, हमारे सर्च ड्रोन ने उसे दीवारों के बाहर ढूंढ लिया। हमले की तैयारी करो।
कहना तब तक वापस ना आए जब तक वो हाथ नहीं आता। एक ही टीम में है। अच्छा, एक ही टीम का क्या मतलब है? तुम आखिर हो कौन? हाय ग्रेनी। जानता हूँ, अच्छे से याद है मुझे, वही था मैं, भूला नहीं हूँ। और मुझे ये भी याद है कि इसे डंक लगा था और इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। शांत हो जाओ, ठीक है? शाबाश। पता ही था ऐसा होगा। और कोई मारना चाहेगा? राय, न्यूट, तुम इसे जानते हो? हाँ, हमारा दोस्त हुआ करता था। ये कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है। हमने तुम्हें मरता हुआ देखा था। नहीं, तुमने मुझे मरता छोड़ दिया था। और अगर हमें तुम नहीं मिले होते तो शायद तुम मर चुके होते। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? मिन्हो, वो विकेट के पास है, हम अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं मदद कर सकता हूं, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता हूं। मेज के बाद शहर की तरफ बढ़ रहा एक ग्रुप मुझे अपने साथ ले गया। जब उन्हें एहसास हुआ मैं वायरस से बचा हुआ हूं तो मुझे यहां ले आए, लॉरेंस के पास। ये ग्रुप विकेट के साथ तब से जंग लड़ रहा है जब से उन्होंने इस शहर पर कब्जा किया है, पर अब वो उन दीवारों के पीछे हमेशा छिपा नहीं रह सकता। वो दिन आएगा जब उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी।
सुनो, उनसे मिलने ज्यादा लोग नहीं आते, तो उनसे मैं ही बात करूंगा, ठीक है? और प्लीज उन्हें घूरना मत। गर्ली, तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा। जैस्पर ने मुझे बताया क्या हुआ था। वो एक कत्लेआम था। उन गन्स के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, पर वो मधुमक्खी के छत्ते में तब तक उंगली कर सकते हैं जब तक उन्हें खुद डंक ना लगे। वैसे ये लोग हैं कौन, यहां क्यों आए हैं? हमें विकेट तक पहुंचना है। गैली ने कहा आप हमें अंदर ले जा सकते हैं। गैली, ऐसे वादे नहीं किए जाते जो नामुमकिन हो। वैसे भी सिर्फ दीवार पार करने से कुछ हासिल नहीं होगा। विकेट तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे एक रास्ता है, पर यह थॉमस के बिना मुमकिन नहीं हो सकता। ऐसी बात है। तुम जानते हो मैं कौन हूं, थॉमस? मैं एक बिजनेसमैन हूं, यानी कि मैं बेकार में कभी कोई जोखिम नहीं उठाता हूं। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आपने हमें अंदर पहुंचा दिया तो आप जो चाहेंगे ले आऊंगा। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या चाहिए होगा? वक्त चाहिए, हर एक पल चाहिए। क्या सच में मुझे ये चाहिए? हम दोनों को विकेट से कुछ चाहिए। एक काम करते हैं, सिर्फ तुम दोनों जा सकते हो, बाकी यही रहेंगे मेरे पास। तुम्हें यहां वापस आने के लिए कोई तो वजह होनी चाहिए। तो सौदा पक्का? गैली से रास्ता दिखाओ। इन दोनों का ख्याल रखना। हाँ। कितना गंदा है। अरे यार, हाँ सही कहा तुमने। रास्ता लंबा है, साथ ही रहे। हम तैयार हैं। ठीक हो जाऊंगी, उम्मीद तो है। तुम्हें वो कहानी याद है जो तुम मुझे सुना रही थी, उस घर में तुम्हारे बचपन की?
मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो झील के पास वाली? चल रहा है। पता है, पता है। बस 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 हो गया। तुम कितनी बहादुर हो। ये दवाई कब तक इन्फेक्टेड लोगों तक पहुंचेगी? अचानक तुम्हारे दिल में मासूम लोगों के लिए हमदर्दी कहां से जग गई? आपने मुझे मेरा काम करने को कहा था, मैंने बखूबी किया। और तुम चूक गए बुरी तरह से। पहरा देने वालों को कोई लाश नहीं मिली। थॉमस अभी भी वहां कहीं है। टेरेसा का क्या, उसे पता है? नहीं, लगना नहीं चाहिए। मैं चाहती हूं वो पूरा ध्यान लगाए। शहर भर में सुरक्षा इंतजाम और कड़े कर दो। उम्मीद है तुम इस बार कोई गलती नहीं करोगे। तो ग्लेड से काफी दूर है। 15 मिनट बाद कर्फ्यू लगने वाला है। प्लीज सलीके से अपने घर की ओर बढ़िए। याद रहे ये आपकी सुरक्षा के लिए है। हाँ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जानता हूँ मुश्किल है, पर इस तरह पेशा हो जैसे तुम यहाँ पहले आ चुके हो। इनका जरूर कोई लेना देना है। ठीक है, चलो यहां से निकलते हैं। ठीक है न्यूट, पहले तुम चलो। मैं कर लूंगा। है तो जरूर वहीं रखा होगा। लॉरेंस सालों से अंदर घुसने का जरिया ढूंढ रहा है। ये जगह सिपाहियों से भरी हुई है, हर जगह निगरानी है, हर फ्लोर पर स्कैनर्स हैं। सुनने में किले जैसा लगता है। तुमने तो कहा था अंदर जाने का रास्ता है। शायद है। शायद है? शायद से क्या मतलब है? खुद ही देख लो।
मैंने कहा था रास्ता है, ये नहीं कहा था कि तुम्हें वो पसंद आएगा। नहीं, कोई और रास्ता जरूर होगा। जैसे कि तुम ये बिल्डिंग देख चुके हो, अंदर जाने का सिर्फ वही रास्ता है। तुम्हें लगता है वो हमारी मदद करेगी? मैं इजाजत मांगकर प्यार से पूछने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ गलत तो नहीं समझ रही ना? ये वही लड़की है जिसने हमें धोखा दिया था, है ना? वही साली। मुझे वो पसंद है। चल क्या रहा है? तुम्हें फिक्र हो रही है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चोट लग जाएगी? क्योंकि जाहिर है ये सिर्फ मिन्हो को छुड़ाने के बारे में नहीं था, है ना? न्यूट, क्या कह रहे हो तुम? टेरिसा, सिर्फ उसी की वजह से मिन्हो हमसे अलग हो गया था, अब जाकर हमें उसे वापस लाने का मौका मिला है, और तुम हो कि उसकी वजह से मिन्हो को सड़ने दे रहे हो, क्योंकि अभी भी तुम उसकी कहीं ना कहीं परवाह करते हो। सच कह रहा हूं ना? न्यूट, मैं झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ मत बोलो। माफ करना, मुझे माफ करना। सॉरी यार, जो हुआ उसके लिए। शायद अब मैं इसे और नहीं छिपा सकता। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताकर क्या फायदा होता? मैं बस ये जानता हूं कि विकेट ने मुझे मेज में किसी वजह से डाला था। शायद वो ये जानना चाहते थे कि तुम जैसे नॉर्मल और हम जैसे इन्फेक्टेड लोगों के बीच क्या फर्क है। हम ये अब भी ठीक कर सकते हैं न्यूट, मुझे पूरा यकीन है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मिन्हो का सोचो। उसे अब हमारी जरूरत है, तो अगर उसे बचाने का हमें एक भी मौका मिलता है तो हमें वो गंवाना नहीं चाहिए। हमें उसे बाहर निकालना ही होगा, चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। हाँ, ठीक कह रहे हो। मिन्हो, मुझे सुन सकते हो? यहां एक छोटी सी लड़की है, उसका नाम है शायान। वो 3 हफ्तों से इन्फेक्टेड है, पर मिन्हो, तुम उसे बचा सकते हो और उसके जैसी कई और जिंदगियों को भी। हम यहां जो भी कर रहे हैं वो काम आ रहा है, तुम समझ रहे हो ना? यही वजह है कि ये इतना अहम है। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती थी। टेरिसा, मिन्हो,
मिनो, तू एक धोखेबाज है। हमने तुम पर भरोसा किया। छोड़ो उसे, छोड़ो मुझे, मैं तुझे मार डालूंगा। धोखेबाज, तूने सबको मार डाला। टेरेसा, तुम्हारी मेडिकल लैब में जरूरत है, मामला सीरियस है। आई एम सॉरी टेरेसा। तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमने हर मुमकिन कोशिश की। Hi, Teresa. तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। अगर जैनसन को पता चल गया कि तुम यहां। नहीं माना, मैं बस तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुमसे कुछ पूछना चाहता। पछतावा होता है हमारे साथ चुकी है उसके लिए। हाँ, कभी कभी, पर मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और दोबारा भी वही करूंगी। अच्छा, सुकून के पल बिता रही है। खूबसूरत है ना? हाँ, खूबसूरत शहर है। दीवारें, जब लोगों के अस्तित्व को खतरा हो तो वो क्या कुछ नहीं कर लेते। उन्हें मजबूर किया जाए तो असंभव को संभव कर सकते हैं, हद पार करने से भी नहीं कतराते।
आपकी कोशिश को धक्का लगा और ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है। इस बार अलग है, वायरस हवा में फैल गया है, दीवारों के अंदर मौजूद है। सीरम हमारी आखिरी उम्मीद थी, जो भी इन्फेक्शन से बचा है महीने भर में उसका शिकार होगा। ओके, हम ये संभाल लेंगे। हम कुछ मुलाजिमों को यहां से निकालकर उत्तर में एक और सुरक्षित ठिकाना बनाएंगे। अभी भी वायरस से बचे 28 लोग हैं हमारे पास इस बिल्डिंग में, हम और ढूंढ लेंगे। ढूंढ लोगे और तब तक तलाश करोगे जब तक हर एक मिल ना जाए। हमने उन सब पर जो जुल्म ढाए हैं, जिन हालात से गुजरने पर मजबूर किया, कम से कम हमने उन्हें जिंदा रहने का हुनर तो सिखाया। शायद हमारी हार उनकी जीत का सबब बने। आपका कहने का मतलब है कि अपने घुटने टेक दिए इतना कुछ करने के बाद? बात घुटने टेकने की नहीं है जॉनसन, बात यह कबूलने की है कि हम हार गए। ग्याली? ये कुछ इस तरह से होगा, अब हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे और तुम हमें सिर्फ वही बताओगे जो हम जानना चाहते हैं। एक आसान सवाल बताओ, मीनो कहां पर है? देखो कहीं तुम लोगों को ये तो नहीं लगता ना कि तुम उसकी तरफ मत देखो। उसकी तरफ क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो, वो मदद नहीं करने वाला। हम जानते हैं मीनो तुम्हारे पास है। कहां है वो? दूसरों के साथ मेन एरिया में, सब लेवल 3 में। और कितने हैं? 28। मैं उन्हें निकाल लूंगी। नहीं नहीं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, उस फ्लोर पर जाने की मनाही है। एक सही अंगूठे के निशान के बिना ये मुमकिन नहीं। इसीलिए तुम हमारे साथ आओगे? मुझे ऐसा नहीं लगता, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सच में नहीं, बस एक अंगूठा चाहिए। ग्याली पीछे हटो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मीनो के साथ इसने और भी बदतर सलूक किया होगा। यह हमारा प्लान नहीं है शांत रहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ जो चाहो कर लो, फिर भी तुम लोग वहां नहीं जा पाओगे। सेंसर्स तुम्हें पहचान लेंगे क्योंकि टैग लगे। हम विकेट की प्रॉपर्टी है, तुम इसमें भी हमारी मदद करोगे। आराम से बैठना, हल्का सा दर्द होगा। जो भी करना है जल्दी करो। उसे बहुत मजा आया, लगता तो यही है। देखो ये फिट होते हैं या नहीं। थैंक्स। थैंक्स नीप। अब चलो निकलो अंकल, आगे काफी मेहनत करनी है। क्या इस झमेले से दूर रहोगी? यह आखिरी मौका है। सच कहूं तो आप भी लड़ाई से परहेज करने वालों में से नहीं। तुम भी अपने पांव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारोगी? मैं बस ये सोच रहा हूं कि उस दरवाजे से निकलूंगा तो तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। पता नहीं हम कब से दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने लगे। मैं भी तो कभी एक अजनबी थी। हमें बीच रास्ते छोड़ मत देना। नहीं। कभी नहीं। वो बेहतर लग रही है, काफी बेहतर। उसके सीरम का इंतजाम कैसे करते हो?
किसकी बात कर रही हो तुम? ब्रेंडा, मुझे नहीं लगा था वो जिंदा बच पाएगी। उसका आखिरी इलाज कब हुआ था? राइट आर्म ऑर्गेनाइजेशन में, जब आखिरी बार तुम्हें देखा था। वो तो महीनों पहले था। लेकिन थॉमस, ये मुमकिन नहीं है। इन्फेक्शन इतना वक्त नहीं लेता, उसका अब तक ठीक ठाक रहना नामुमकिन है। बहुत हो गया। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? कैसे भरोसा करूं तुम पर? तुमने जो किया उसके बाद सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छी कोशिश थी। तुम उसे प्यार करते थे है ना? पता नहीं, बस संभल के रहना। तुम में एक बुरी आदत है, तुम्हें लोगों से पीछा छुड़ाना नहीं आता, जरूरी हो तब भी नहीं। सबको बचाया नहीं जा सकता थॉमस। कोशिश तो कर सकते हैं। हम अंदर आ गए, तुम कहां तक पहुंचे? हाँ हाँ, मैं आ रहा हूं। मीनो को मेरा है कहना। लगे रहो। ये काम नहीं कर रहा। ब्रेंडा कहां तक पहुंचे? मैं वहां पहुंचने ही वाली हूँ। ओके, बस वक्त पर तैयार रहना। फिक्र मत करो, तुम जानते हो मैं वहां पहुंच जाऊंगी। चलो। हमें एक सिग्नल मिला, गैली ने कर दिखाया, अब अपनी बारी है। बढ़िया, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सब मेरे इशारे पर होगा। अजीब बात है, सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? मैं जाकर देखता हूं। Let's go!
चलो जल्दी चलो, आओ चलो आ जाओ, तुम ठीक हो, चलो चलो जल्दी चलो। न्यू दूसरे कमरे चेक करो, चलो तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो। देखाना अंदर जाने का रास्ता बताओ। तुम अंदर नहीं जा सकते, चलो बाहर आओ, चलो। दोस्तों इसमें वक्त लग सकता है। सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था, इसकी जान भी जा सकती थी, इतना ज्यादा एक बार में झेलना। मुझे ऑर्डर मिला है, जेनसन यही चाहते हैं। किसी ने उसे मेडिकल विंग में शिफ्ट कर दिया है। थॉमस, वो इस बिल्डिंग की दूसरी तरफ है। मुझे उसके पास ले जाओ अभी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। न्यू, नहीं तुम नहीं चलोगे, तुम कैली के साथ यहीं रुककर सीरम मिलने का इंतजार करो। थॉमस, तुम ये अकेले नहीं कर सकते, मिनहो सबसे अहम है, याद है ना? जल्दी जाओ, वक्त जाया मत करो, मैं सीरम लेके आता हूँ, तुमसे बाहर मिलता हूँ। ओके ठीक है, चलो। ग्रीनी, गुड लक। देर रात तक काम कर रही हो, वैसे तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है टेरेसा। हालात चाहे कितने भी खिलाफ हो, तुम बस मतलब कभी हार नहीं मानती। ऐसे वक्त पर तुम्हें एक ऐसा दोस्त चाहिए जिस पर तुम भरोसा कर सको। आपकी बात का ध्यान रखूंगी। वैसे तुम्हें एक और बात पर ध्यान रखना चाहिए, एक दोस्त की बात पर। थॉमस यही है, हमारे एक कैमरे ने उसे दीवार के बाहर देखा है। ईवा नहीं चाहती थी तुम्हें पता चले, लेकिन हो सकता है तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा। जब ऐसा हो तो मुझे लगता है सबसे पहले तुम मुझे ही फोन करके बताओगी। तुम उसे मारने वाले हो? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे उतरना है। बात सुननी चाहिए, उस सीरम के मिलने से न्यूट बचने वाला नहीं, हो सकता है उससे उसे कुछ वक्त मिल जाए। उस पर ध्यान मत दो, वो तुम्हारे दिमाग से खेलना चाह रही है। थॉमस सुनो, तुम जानते हो बाहर क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, दुनिया खत्म हो रही है। तुम्हारे खून में कुछ खास है जो मैं समझ नहीं पा रही। खोलो इसे। पहले मुझे जरूरी टेस्ट तो कर लेने दो, मैं वादा करती हूँ मैं तुम लोगों को बचा लूंगी। अच्छा, जैसे मीनों को बचाया था। थॉमस क्या कर रहे हो, और कितने लोगों की जरूरत है? कितने लोगों को जबरदस्ती उठाएंगे, उन्हें तकलीफ देंगे, मारेंगे? हाँ, ये हैवानियत कब्रों के लिए। जिस दिन इलाज मिल जाएगा उस दिन। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अपना वक्त मत जाया करो टेरेसा।
इसने काफी पहले अपनी राह चुन ली थी। बंदूक फेंक दो, पीछे हटो, उनसे कहो पीछे हटने को, उनसे कहो पीछे हट जाए। ए थॉमस, क्या यार, ये मैं हूं, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, तुम इसे गोली नहीं मारोगे। तुम्हें लगता है नहीं मारूंगा? ठीक है तो चला दो, गोली मारो और मुझे गलत साबित करो। चलाओ गोली। हटो हटो, अब बहाना कोई ढेर बताना। मैंने एहसान किया है तुम पर, दरवाजे बंद हैं, वो कहीं नहीं जा सकते। जैनसन, मुझे वो जिंदा चाहिए। चलो चलो चलो, मेरे साथ आओ। यस सर। सुनो, हमें यहां से निकलना होगा अभी। तुम सब साथ में ही रहना, साथ में ही चलना। तुम, ये जान से भी ज्यादा कीमती है, संभालना इसे। ठीक है, चलो चले। बिल्डिंग को सील कर दो और सबको 20वीं मंजिल पर भेज दो, और कोई एक कब तक अलार्म बंद करेगा। नीचे रहो, चुपके चलो, चलो 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 चलो, नीचे रहो, चुपके रहो, चुपके रहो। रिंडा तुम कहाँ हो? हम पहुंच गए हैं। जल्दी से बैठ जाओ। ठीक है, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। आधे पीछे से जाओ, चलो आ जाओ। रुको, थॉमस कहाँ है? मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। रुको रुको, तुम यहीं बच्चों के साथ रहो, इनके साथ ही रहना, मैं उसे ढूंढता हूँ। हम कहीं नहीं जाने वाले। कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक नहीं। वो यही गई है, बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें ढूंढो। तुम दोनों उधर जाओ, बाकी सब मेरे साथ आओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। यस सर। 422 लाने है। हमारे सारे 16 कर्मचारियों के साइंस स्टेशन पर रिपोर्ट करें। होश में आ रहा है। बेहोशी का एक और इंजेक्शन दो।
गोलियां खत्म होने वाली हैं। पीछे हटो। बढ़िया। समझ चलो चलो। रुक जाओ। घुटनों के बल बैठ जाओ। मैंने कहा भूलो। मीनो, ये सपना तूने? वो मेरे निशाने पर है, वो मेरे निशाने पर है। कम ऑन। न्यूट चलो। क्या कोई दरवाजा खोलेगा? यस सर। प्लान है शायद। ठीक है, कर सकते हैं, बस थोड़ा भाग कर कूदना होगा। तुम्हें पक्का यकीन है? बिल्कुल भी नहीं। हौसला अच्छा बढ़ाया। हाँ, मेरी भी हिम्मत बढ़ गई। हाथ ऊपर करके घुटनों के बल बैठ जाओ। साले कमीने! गैली? मीनो, तुम सब बिल्कुल पागल हो। बाद में समझाऊंगा। उन्हें घेर लो, मार्शल लॉ लागू करो और जब तक वो मिलते नहीं उन्हें ढूंढते रहो। हमारी नजरें बस पर टिकी हुई हैं, हमारे सिपाही उनका पीछा कर रहे हैं। कौन सी बस? अरे यार, संभालो सबको।
बस से बाहर निकलो। यही बैठे रहो, सब ठीक हो जाएगा। अब बस से दूर हट जाओ, मैंने कहा बस से दूर हट जाओ। अपने हाथ ऊपर करो। अपने हथियार फेंक दो। चुप हो जाओ। वो अभी भी यही है। वाकई काफी भड़के हुए हैं। सुरंगें कितनी दूर हैं? हाँ, यहां से बस कुछ ही दूर है। हम अब भी कर सकते हैं। न्यूट, तुम्हें कैसा लग रहा है? बकवास। वैसे तुम्हें देखकर खुशी हुई। ऐसा कितने वक्त से चल रहा है? वो ठीक हो जाएगा, बस ब्रेंडा तक पहुंचना होगा। उसके पास सीरम है। चलो चले। हे न्यूट, चलो उठो, हमें तुम्हें वहां ले जाना होगा। संभाल के। हमारी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें मार दिया था ना।
हाँ, कभी कभार निशाना चूक जाता है। घबराओ मत, माना मैं खूबसूरत नहीं हूं, पर हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है जो उन दीवारों के पीछे छिपा हुआ है। उन्होंने हमें एक नाम दे रखा है, हमें जहरीला बुलाते हैं। मैं कहूंगा कि वो असली शैतान है। इस जंग की शुरुआत तो उन्होंने की थी, पर इसे खत्म हम करेंगे। मेरे साथ चलो, हम उन्हें वो चेहरे करीब से देखने पर मजबूर कर देंगे जिन्हें वो भूलने की गलती कर चुके हैं। मेरा साथ तो और ये शहर तुम्हारा। एक और पांच को तैयार करो। गन्स काम नहीं कर रही है, सिस्टम लॉक हो गया। चलो सिपाहियों, आगे बढ़ो, फायर करो, फायर करो। शहर को नहीं। गैली, चलो। बाहर निकलने का आदेश दिया जाता है। आखिरी सवारी यहां से 38 मिनट बाद निकलेगी। प्लीज छत की ओर बढ़िए। रिपीट, बाहर निकलने का आदेश दिया जाता है। तुम यहाँ अभी तक क्या कर रही हो? हमें निकलना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ से थॉमस के बिना नहीं जा सकती। वक्त जाया मत करो, वो चला गया। नहीं नहीं, अब समझी नहीं, मुझे ये और चाहिए। आइए देखिए, ये सिर्फ वायरस को धीमा नहीं कर रहा, उसे मार रहा है। थॉमस को ढूंढना होगा हमें। सुरंग आने वाली,
छुप जाओ। सब तैयार रहो। देखिए आगे बढ़ो। आगे वाले नीचे बैठ जाओ। उन्हें किसका इंतजार है? हम जिंदा नहीं बचने वाले। रुको, तुम ये क्या कह रहे हो? बाकियों को ले जाओ, उन्हें यहां से बाहर निकालो। नहीं ब्रेंडा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, ठीक है? कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना चाहिए फिर भी नहीं। थॉमस, तुम जहां हो वहीं रहो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। ब्रेंडा, ये तुम क्या कह रही हो? देखकर भी खुश हो। हाँ, मालूम है, सबको बचाने का ठेका मैंने ही ले रखा है। चलो अब निकले यहाँ से। हम यहाँ से नहीं निकल सकते, थॉमस अभी भी अंदर है। तो चलो लेकर आते हैं उसे। देर किस बात? ठीक है, चलो। करीब है न्यूट। दोस्तों मुझे छोड़ दो। पीछे। मीनू, तुम्हें दौड़ना होगा, वो सीरम ले लो और जल्द से जल्द वापस हमारे पास आओ। मीनू जाओ, सेका मैं साथ जाता हूं। थैंक यू मीनू। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुना तुमने? चलो मीनू, चलो। कुछ चले गए। Yeah.
हमें आगे बढ़ना है, अभी उठने की कोशिश करो। चलो लेट्स गो। नहीं यूं बाद में, बाद में जाना है। चलो ये तो मैं रखना होगा। चलो न्यूट पकड़ो इसे। प्लीज प्लीज थॉमस प्लीज। ठीक है ठीक है, मैं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी जान लगा दो, तुम और मैं दोनों। ठीक है चलो तैयार हो, तैयार हो। चलो 1 2 3। हम यहाँ और नहीं रुक सकते ब्रेंडा। फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएंगे। हम बस पहुंचने वाले हैं, न्यूट डटे रहो। कम ऑन न्यूट। कम ऑन कम ऑन। थॉमस, मुझे सुन सकते हो? मैं चाहती हूँ तुम ध्यान दो। मैं जानती हूँ तुम मुझ पर भरोसा करना नहीं चाहोगे, पर मैं चाहती हूं तुम वापस आ जाओ। थॉमस, तुम न्यूट को बचा सकते हो। उसके पास अभी भी वक्त है। ब्रेंडा के बीमार ना होने की एक खास वजह है तुम्हारा खून, समझ रहे हो ना? वो बीमार इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने उसे ठीक किया। ब्रेंडा की तरह तुम और जाने भी बचा सकते हो। तुम्हें बस मेरे पास वापस आना होगा और ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्लीज वापस आ जाओ थॉमस। मैं जानती हूं तुम सही फैसला लोगे। न्यूट, 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 ये मैं हूँ, न्यूट रुको। Thank you.
सच है। न्यूट, मैं उसे बचा सकता था। हम सबको बचा सकते हो। बाकियों को छोड़ दो, उन्हें छोड़ दूंगी। वादा कर। जानते हो ये कौन सी जगह है थॉमस? ये एक लाइफ बोट है और हो सकता है सारी दुनिया डूब रही हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम भी इसके साथ डूब मरे। कितना वक्त है? बस हो गया। मुझे मार क्यों नहीं देते? तुम्हें मारूं? यह हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारी सांसें चलती रहे। बस, और बदले में जो बचे हैं तुम उन्हें जिंदगी दोगे, वो जिन्हें हम बचाना चाहते हैं। जाहिर है तुम्हारा खून सबके लिए काफी नहीं होगा, पर क्या करें, कड़े फैसले लेने ही पड़ेंगे। धीरे धीरे फ्लेयर वायरस अपने आप तबाह हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस वक्त जिंदा कौन बचेगा। शुक्र है कि तुम्हारी वजह से हम अपने हिसाब से अपना भविष्य चुन पाएंगे। तुम्हारे नाम
दबाव डालो, दबाव डालो, पकड़ो। तुम्हें तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। नहीं, तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं। टेरेसा, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे लगा था हम दोस्त हैं। लगता है अपने करीबियों को धोखा देना तुम्हारी फितरत में है। बाहर आ जाओ, मामला यहीं पे खत्म कर देते हैं। हम दोनों जानते हैं यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब इसे जरूरत से ज्यादा दर्दनाक बनाने की जरूरत नहीं है। थॉमस, टेरेसा, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लायक है। उसे तोहफे से नवाजा गया जिसके लिए उसे जूझना नहीं पड़ा, उसने हाथ पैर नहीं मारे, वो उसके लायक नहीं है। हो सकता है, पर ये उसका है। तुम क्या कहते हो थॉमस? तुम्हें इसके बारे में कुछ कहना है? तुम्हारे हाथ तो पहले ही खून से रंगे हुए हैं। तुम शायद इसे गोली ना मार पाओ, पर मैं तो मारूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। जैनसन, जो क्या साले कमीने। अच्छा, you
जानता हूं। लगता है मिल गया वो। हाँ वही है, मैं लॉक खोलती हूँ। हाँ, वो थॉमस ही है। चलो चलो जल्दी चलो।
हमने एक साथ काफी लंबा सफर तय किया है। कई लोगों ने कुर्बानी दी, बहुत कुछ गंवाया यहां तक आने के लिए। अपने दोस्त, अपना परिवार, ये उनके नाम जिन्हें हमने खो दिया है, हमारे अपनों के नाम। ये जगह आपकी है, हम सबकी है, पर ये उन सब के लिए है। तो जब भी वक्त मिले, अपनी तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दो। और आखिर में ये सुरक्षित ठिकाने का नाम हमारे लिए अच्छा घर साबित होगा। हाँ, जब तुम बेहोश हुए थे तुम्हारे हाथ में ये था। सोचा इसे संभाल कर रखना चाहिए। बाद में मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। थॉमस मेरे दोस्त, मैं शायद ये पहली चिट्ठी किसी के लिए लिख रहा हूं। वैसे मुझे याद नहीं है कि मेज से पहले मैंने कोई चिट्ठी लिखी थी। भले ही ये मेरी पहली चिट्ठी ना हो, हाँ लेकिन आखिरी तो जरूर है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं डरता नहीं हूं, और मौत से तो बिल्कुल नहीं। बस अगर डर लगता है तो वायरस के सामने हारने से, इससे मेरी रूह कांप उठती है। हर रात मैं अपने दोस्तों के नाम जोर जोर से पुकारता हूं, एल्बी, विंस्टन, चक। एक प्रार्थना की तरह वो नाम बार बार दोहराता हूं और सारी यादें ताजा हो जाती हैं। वो छोटी छोटी चीजें, जैसे उस खास पल में सूरज की किरणें ग्लेड पर पड़कर दीवारों के पीछे गायब हो जाती थी। फ्राई पैन के सूप का स्वाद मुझे आज भी याद है। सोचा नहीं था मुझे वो इतना याद आएगा। और तुम भी याद आते हो। वो वक्त याद आता है जब तुम पहली बार बॉक्स में आए थे, एक सहमा हुआ ग्रीनी जिसे खुद का नाम तक याद नहीं था। फिर भी तुम मेज की रेस में सबसे आगे निकल गए, और तभी मैं जान गया कि मैं तुम्हारे दिखाए रास्ते पर चल सकता हूं। और मैंने वही किया, हम सबने किया। कि अनजान जगह में तुम्हारे साथ वो पहला कदम बढ़ाया जाए, पर अब मैं जान गया हूं कि जिंदगी आसान रास्ते नहीं देती। अगर मैं वो सुनहरे दिन वापस ला पाता तो उसमें बदलाव किए बिना जरूर लाता। और मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है थॉमस, कि जब तुम सालों बाद मुड़कर पीछे देखोगे तो तुम्हारा भी यही कहना होगा, हमेशा खुश रहना मेरे दोस्त, क्योंकि तुम इसके हकदार हो, इसके लायक हो। थैंक यू मेरा दोस्त बनने के लिए।
अलविदा दोस्त। नियुक्त।